हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपके दांत में किसी भी कारण तेज दर्द होना स्टार्ट हो गया है तो उसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करवाना चाहिए। उन्होंने दूसरे किसी पेशेंट से सुना है कि हमारे भी दांत में दर्द था, हमें डॉक्टर ने RCT के लिए बोला है, लेकिन वहीं दूसरे पेशेंट के दांत में भी बहुत तेज दर्द है, लेकिन उसे डेंटिस्ट ने दांत को निकलवाने के लिए बोला है। तो दांत में दर्द है तो सही ट्रीटमेंट क्या होता है, किस कंडीशन में हम दांत निकलवा सकते हैं और किस कंडीशन में आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, यानी कि RCT के लिए बोलते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस कंडीशन में, दांत की किस कंडीशन में आप फिलिंग करवा सकते हैं, दांतों में मसाला भरवा सकते हैं और किस कंडीशन में आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम समझ रहे हैं कि दांत की ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, और दांत में ऐसी क्या कंडीशन आ जाती है जब आपके दांत में कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है, RCT पॉसिबल नहीं हो पाती है और आपको एक्सट्रैक्शन के लिए जाना रहता है। ये कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों के मन में होती है। ज्यादातर पेशेंट्स यही कहते हैं कि हमारे दांत में तेज दर्द हो गया है तो आप RCT ना करके उस दांत को निकलवा दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दांत को निकलवाने के बाद आपको लगता है कि RCT में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, दांत हमारा कम खर्च में निकल जाता है। लेकिन अगर आपका दांत उस कंडीशन में है कि आपकी RCT से आपका दांत को बचाया जा सकता है, आपका ट्रीटमेंट होके आपके दांत को, जो आपका नेचुरल दांत है, उसको सेव कर लिया जा सकता है, आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके दांत में कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, आपके दांत में दर्द बहुत ज्यादा है, आपके दांत में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आपके दांत को नहीं बचाया जा सकता है, तब आपके डेंटिस्ट एक्सट्रैक्शन के लिए बोलते हैं, तभी आपको अपने दांत का एक्सट्रैक्शन यानी कि निकलवाना चाहिए। क्योंकि जैसा काम हमारा नेचुरल दांत कर सकता है, जितनी स्ट्रेंथ हमारे नेचुरल दांत की होती है, उतना आपका आर्टिफिशियल दांत आपको नहीं दे पाता है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी कंडीशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे कि दांत की ऐसी क्या क्या कंडीशन हो जाती है जब आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और कब आपको दांत को निकलवा लेना चाहिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट और एक्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में आपके मन में जितने भी डाउट्स या जितने भी कंफ्यूजन्स क्वेश्चंस इस टॉपिक से हैं, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आपके दांत की होती है दांत में सड़ान लगना। जब भी हमारे दांत में किसी कारण, खाना फंसने की वजह से, आपकी सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है, ओरल हाइजीन आपने अच्छे से मेंटेन नहीं रखी है, आपके दांत में सड़ान लग गई। अब सड़ान आपके दांत में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर से बढ़ते बढ़ते आपके दांत की नस तक पहुंच जाती है। उस समय से आपके दांत में तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी आप ठंडा भी, ज्यादा ठंडा भी खा रहे हो या ज्यादा गर्म भी खा रहे हो, तब भी आपको बहुत ज्यादा झंझनाहट फील होती है। तब ऐसे कंडीशन में जब आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं, तब आपके डेंटिस्ट आपके दांत को देख के, एक्सरे को देख के आपको सही सलाह देते हैं कि किस समय पर आपको RCT करवानी है या एक्सट्रैक्शन कराना है। अब कब RCT होती है? अगर आपके दांत का जो स्ट्रक्चर है, हमारे दांत का जो स्ट्रक्चर है, वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है। जितना पार्ट आपको दांत का दिखाई देता है वो होता है क्राउन पोर्शन, और जितना दांत का जो हिस्सा होता है, जो हमारी हड्डी के अंदर होता है, हमारे मसूड़े के अंदर होता है, वो होता है दांत का रूट पोर्शन। अगर आपका दांत की जो सड़ान है, जिसकी वजह से आपके दांत में इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन आपका दांत पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है, दांत का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुआ है, दांत का जो क्राउन पोर्शन है वो बचा हुआ है, और आपके इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट से, आपके इन्फेक्शन को क्लीन किया जा सकता है, इन्फेक्शन खत्म हो सकता है और दांत को ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है, उस समय पर आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों के इलाज की सलाह देते हैं। नसों के इलाज RCT करने से आपके दांत में जितना भी इन्फेक्शन है, सड़ान है, उसको क्लीन किया जाता है, इन्फेक्शन को आपके दांत से हटाया जाता है, प्रॉपर दांत की अच्छे से सफाई करके, इन्फेक्शन को हटा के, दांत के ऊपर फिलिंग करके दांत को सेव कर लिया जाता है।
अब दांत की कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें आरसीटी पॉसिबल नहीं, आपके दांत में सड़ान लग गई है, लेकिन आपके दांत की सड़ान बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते आपके दांत का जो स्ट्रक्चर है, जो क्राउन पोर्शन है, वो बिल्कुल भी नहीं बचा है, दांत आपका पूरी तरीके से सड़ चुका है, जिसमें आपके आरसीटी से दांत को नहीं बचाया जा सकता है। अगर ऐसी कंडीशन दांत में आ जाती है जब आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट से या किसी ट्रीटमेंट से आपके दांत को नहीं बचाया जा सकता है, तब आपके डेंटिस्ट आपको एक्सट्रैक्शन की सलाह देते हैं कि आप अब उस दांत को निकलवा लीजिए। लेकिन जब तक आपकी सड़ान हुई या फिर आपके दांत में इन्फेक्शन है, वो क्लीन हो सकता है, आपके दांत की जो प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक हो सकती है, तब तक आपको ट्रीटमेंट की ही सलाह देते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे दांत की होती है जब हमारा दांत किसी कारण टूट जाता है। अगर एक्सीडेंट की वजह से आप गिर गए हैं और आपका दांत टूट गया है, जैसे अभी हमने पहली कंडीशन में समझा कि दांत आपका दो पोर्शन में डिवाइड रहता है, क्राउन पोर्शन में, रूट पोर्शन में। अब दांत टूटा है आपका, और अगर आपका दांत सिर्फ क्राउन पोर्शन से टूटा है, आपके दांत टूट गया है, आपको बहुत ज्यादा तेज दर्द आ गया है, आपकी दांत की पल्प एक्सपोज हो गई है, दांत क्योंकि आपका बीच से टूट गया है क्राउन पोर्शन में, उस समय पर आपके डेंटिस्ट आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आपके दांत को बचा सकते हैं, क्योंकि आपके दांत की जो जड़ है वो मजबूत है, सिर्फ आपके दांत का जो ऊपर का पोर्शन है वो आधा टूटा है। आपके दांत की रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है, नसों का इलाज किया जाता है, जिससे आपका जो दर्द है, दांत में टूटने की वजह से दर्द हो गया है, वो चला जाता है, और आपके क्राउन को बिल्डअप करके उसके ऊपर क्राउन जो नकली दांत है वो लगा दिया जाता है। अब एक कंडीशन जिसमें आपका आरसीटी नहीं हो सकती है, अगर आपका दांत टूट गया है लेकिन आपका दांत जो आपकी जड़ है दांत वहां से टूटा है, अगर रूट फ्रैक्चर इन्वॉल्व हुआ है, अगर जब तक क्राउन फ्रैक्चर है तब तक आपकी आरसीटी करके क्राउन को बिल्डअप करके जो आपका कैप होती है दांत की वो लगा दी जाती है, लेकिन रूट फ्रैक्चर है जिसमें आरसीटी पॉसिबल नहीं है, आपके रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को नहीं बचाया जा सकता है, तब आपके डेंटिस्ट आपको एक्सट्रैक्शन दांत को निकलवाने की सलाह देते हैं। तो दो पॉइंट हमने समझे। सबसे पहले होता है सड़ान। अगर सड़ान आपकी दांत में सड़ान लगी है लेकिन आरसीटी से वो दांत की सड़ान हट सकती है, इन्फेक्शन हट सकता है, दांत बच सकता है, नेचुरल दांत आपका बच सकता है, तो आपको नेचुरल दांत बचाने के लिए आरसीटी करवानी चाहिए, दांत को निकलवाना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन, जब आपका दांत टूट जाता है, अगर आपका दांत ऐसे टूटा है कि आपका क्राउन पोर्शन गया है, जो ऊपर का दांत का हिस्सा होता है जितना आपको विजिबल होता है वो टूटा है, आरसीटी पॉसिबल हो सकती है, दांत बच सकता है, तब आरसीटी की सलाह मिलती है। और जब आपका दांत टूट गया है, जो रूट पोर्शन है वहां से टूट गया है, आरसीटी पॉसिबल नहीं हो पा रही है, तब आरसीटी करवा। अब तीसरी कंडीशन समझते हैं कि आरसीटी हो सकती है या एक्सट्रैक्शन होगा। तीसरी कंडीशन है कि जब आपका दांत किसी कारण हिलना स्टार्ट हो जाए। कई बार हमारे दांत में इतनी ज्यादा गंदगी हो जाती है, गंदगी जम जाती है, कि गंदगी आपके मसूड़े को आपके दांत से अलग कर देती है, मसूड़े गलना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे आपकी गंदगी इतना बढ़ जाती है कि आपके दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपको दांत में पेन आ रहा है, इन्फेक्शन हो गया है, दांत हिल रहा है, अगर आपका बहुत कम दांत हिल रहा है, आपकी गंदगी हटाई जाएगी, आरसीटी की जाएगी, दांत आपके मसूड़े आपके दांत से पकड़ बना लेते हैं और दांत आपका हिलना बंद हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जब आपके दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, इन्फेक्शन है, लेकिन दांत आपका कम हिल रहा है, आपके दांत को बचाया जा सकता है, आरसीटी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन हो जाती है कभी कभार दांत की कि दांत आपका किसी कारण बहुत ज्यादा हिलना स्टार्ट हो गया है, उस कंडीशन में आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। चाहे आपको उस दांत में कितना ही दर्द हो, आपको बचाना भी हो, लेकिन अगर आपके बहुत ज्यादा मोबिलिटी है, दांत ने अपनी जड़ एकदम छोड़ दी है, अपनी जो पकड़ है हड्डी से और मसूड़े से वो एकदम छोड़ दी है, हड्डी गल गई है, तब ऐसे कंडीशन में ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है, उस दांत को निकाल दिया जाता है। तो ये थर्ड कंडीशन थी हमारे दांत की, कि अगर दांत बहुत कम हिल रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़े की जो गंदगी है उसको हटाई जाती है, आरसीटी की जाती है, मसूड़े से दांत अपनी पकड़ बना लेते हैं और दांत का आरसीटी करके दांत को बचाया जा सकता है। लेकिन किसी कारण दांत बहुत ज्यादा अगर हिल गया है, आपके गिरने की वजह से भी अगर दांत बहुत ज्यादा हिल गया है, तो उसमें आपकी आरसीटी ना करके उस दांत को निकलवा दिया जाता है। देन चौथी कंडीशन अब क्या हो सकती है जिसमें आरसीटी करवाएं या निकलवा दें, वो है दांत में तेज दर्द। कई बार होता है कि दांत में हमारे बहुत ज्यादा तेज दर्द हो गया है,
तो दांत के दर्द में आपको दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो गया है, तो उस कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या दांत को निकलवा देना चाहिए। तो अगर आपके दांत में बहुत ज्यादा दर्द है, आपके दांत में ऊपर आपको सड़ान भी नहीं दिख रही है, दांत आपका हिल भी नहीं रहा है, आपका दांत के आपने गिरने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से टूटा भी नहीं है, कोई आपको ऊपर से दिक्कत नहीं लग रही है लेकिन फिर भी दांतों में दर्द आ रहा है, तब ऐसी कंडीशन में आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं। एक्सरे के थ्रू आपके डेंटिस्ट देखते हैं, अगर इन्फेक्शन आपका नीचे जड़ में है, इन्फेक्शन बन रहा है, आपके दांत में ऊपर से ठीक है लेकिन जड़ में इन्फेक्शन बन रहा है और आपका दांत ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है, तब ऐसी कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस मिल सकती है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, आपका जो वो आपने आरसीटी पहले करा रखी है उस दांत में, आपके दांत की आरसीटी सही नहीं हुई थी, इस वजह से अगर आपके दांत में दर्द आ रहा है, दोबारा आरसीटी से आपका दांत ठीक नहीं हो सकता है, तब ऐसे कंडीशन में दांत को निकलवा दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसमें आप समझ पाते हैं कि आपके दांत की क्या कंडीशन है, जिसमें आपको एक्सट्रैक्शन करवाना चाहिए या फिर उस दांत को निकलवा लेना चाहिए। अगर आपके दांत में सड़ान है तो उस पर डिपेंड करता है कि दांत की सड़ान ठीक हो सकती है, इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, तो आप आरसीटी करवाएंगे। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप निकलवाते हैं, डेंटिस्ट आपको निकलवाने की सलाह देते हैं। अगर आपका दांत थोड़ा बहुत हिल रहा है तो आरसीटी हो सकती है, अगर बहुत ज्यादा हिल गया है तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपका दांत आपके क्राउन पोर्शन से टूट गया है, आपको दर्द आ रहा है, तब आप आरसीटी करवा के क्राउन बिल्डअप करा के कैप लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपका दांत बहुत ज्यादा तेज हिल रहा है तो ऐसी कंडीशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, आपका गिर जाता है, अपने आप गिर जाता है, या फिर अगर दर्द हो रहा है तो आपको निकलवाना पड़ता है। या फिर अगर आपकी आरसीटी पहले हो चुकी है जिसमें आपको दर्द फिर दोबारा से आ गया है, अगर री आरसीटी पॉसिबल हो सकती है, दांत में दोबारा से रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो सकता है, तब दोबारा रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर दांत की कंडीशन ऐसी है कि दोबारा से रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तब आपके दांत को निकाल दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ऐसी है कि दांत बच सकता है, फिर भी आप अपने डेंटिस्ट को दांत को निकलवाने के लिए बोलते हैं क्योंकि आपको लगता है कि निकलवाने का खर्च हमारा कम पड़ रहा है, आरसीटी में हमारा खर्च ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आपको सिर्फ निकलवाना है तो आपका खर्च हमेशा बराबर ही पड़ता है, क्योंकि आरसीटी करवाने के बाद आप उस दांत को, अपने नेचुरल दांत को एक तरीके से सेव कर लेते हैं, आपका नेचुरल दांत बच सकता है। लेकिन अगर आप अपने नेचुरल दांत को हटवा लेते हैं, एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं, तो उस जगह पर आपको नकली दांत लगवाना पड़ता है जो कि आपका बराबर उतना ही पड़ जाता है, चाहे आप अपने नेचुरल दांत को आरसीटी से बचवाएं या फिर आप अपने दांत को निकलवा के उस जगह पर दूसरा दांत लगवाएं, आपका खर्च सेम पड़ जाता है। तो जब तक आप अपने नेचुरल दांत को ट्रीटमेंट से बचा सकते हैं, आरसीटी आपके दांत में पॉसिबल है, तब तक आप आरसीटी के ही ट्रीटमेंट के लिए जाएं, आप अपने दांत को निकलवाएं ना। जब तक लास्ट कंडीशन ना हो जाए, जब तक कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो, आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस ना करे, तब तक आप अपने दांत का एक्सट्रैक्शन ना करवाएं। क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट ना करवा के अपने दांत को निकलवा लेते हैं, एक्सट्रैक्शन करवा लेते हैं और फिर उस जगह आप नकली दांत नहीं लगवाते, तो आपके दो दांतों के बीच में जहां पर आपका एक जो जिसमें सड़ान लगी थी, जिसमें दर्द आया था, वो वहां पर गैप हो जाता है, दांत आपने निकलवा दिया, तो आसपास के जो दांत हैं वहां पर गैप होने की वजह से शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, दांत आड़े तिरछे होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो उस गैप के ऊपर वाला जो दांत है उसकी शिफ्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है, नीचे की तरफ आने लगता है और कई दांतों की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। तो अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, जब अगर आपके डेंटिस्ट आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं, तो एक्सट्रैक्शन के बाद आपको उस जगह पर नकली दांत लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है ताकि आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप नकली दांत लगवाएं, इससे बेटर है कि जब तक आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है तब तक आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही करें। तो उम्मीद है आपके मन में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी डाउट था कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में और जो हमारे दांत का निकलवाना है, एक्सट्रैक्शन है, उसमें क्या अंतर है, कब हम क्या करवा सकते हैं, हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है या फिर हम अपने दांत को निकलवा लें, तो उम्मीद है ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आपके मन में जितने भी डाउट्स, क्वेश्चन या कन्फ्यूजन था वो सब क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको हेल्पफुल लगा है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।